नमस्कार, मैं हूं विजयंत और इस समय हमारी मौजूदगी आजमगढ़ जिले के सुखमदत्त नगर के एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम मौजूद हैं जो भारत परिषद दल के प्रदेश महासचिव हैं और लगातार एक आंदोलन के लिए एक अपनी अलग पहचान बनाए हुए हैं। वो आंदोलन क्या है, ये जब हम बातचीत को आगे बढ़ाएंगे तो आपको भी इसकी जानकारी होगी, लेकिन थोड़ा सा मैं जरूर बता देना चाहता हूँ कि आपने सरकार के बारे में तो सुनी होगी, एक केंद्र सरकार और एक प्रदेश सरकार। अमूमन लोग इन दो सरकारों के बारे में जानते हैं, लेकिन एक तीसरी भी सरकार है जिसे अगर बेचू यादव के शब्द में मैं कहूँ या इनका कोट किया हुआ संविधान के अनुच्छेद की अगर मैं बात करूँगा जिसकी जानकारी आप द्वारा दी जाएगी, तो ये गाँव सरकार है। गाँव सरकार के आंदोलन के साथ 2001 से लगातार आप जुड़े हुए हैं और लगातार गाँव सरकार की मांग क्या कर रहे हैं। बेजू यादव जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद है। क्या है ये गांव सरकार? देखिए, ये भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान से ही पूरा देश हमारा चल रहा है, तो इसी संविधान में तीन व्यवस्थाएं पूरे देश को चलाने के लिए दी गई, एक केंद्र सरकार, दूसरा राज्य सरकार और तीसरा गाँव सरकार। दो सरकारें तो नेता लोग चला रहे हैं, केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार तो लोग चला रहे हैं। तीसरी व्यवस्था संविधान ने जो गांव को दिया कि गांव के लोग अपने तरीके से गांव का विकास करेंगे, वहां के जो व्यवस्था है, दुर्व्यवस्था है, उसके बारे में अच्छी तरीके से गांव के लोग जानेंगे तो अपने तरीके से उस गाँव का मॉडल बनाएंगे, तो यह तीसरी व्यवस्था संविधान में दिया गया। लेकिन संविधान का 73वां संशोधन भी हुआ, पंचायती राज एक्ट स्थापित करके उसमें ग्राम पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए 29 विभाग दिया गया। जैसे केंद्र सरकार को पूरे देश को चलाने के लिए केंद्र सरकार को 97 विभाग दिया गया है, ठीक उसी तरीके से राज्य सरकार को चलाने के लिए 67 विभाग दिया गया है, ठीक उसी के तर्ज पर गांव सरकार को चलाने के लिए संविधान ने 29 विभाग हम गाँव वालों को दिया। इतना दिन बीत जाने के बाद अब तक कोई न नेता न कोई पार्टी गांव सरकार के मुद्दे पर बात करने के लिए तैयार नहीं है। हमारा अधिकार गांव के अधिकार को देने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। सिर्फ जब चुनाव आता है तो जात धर्म मजहब के नाम पर एक पार्टी का बधुआ मजदूर हम गांव वालों को बना करके अपना ये उल्लू लोग साथी अपनी अपनी सरकार, कभी सपा की बनती है, कभी बसपा की बनती है, कभी भाजपा की बनती है, अपनी अपनी सरकार लोग बनाते हैं। लेकिन जिस ऋण की हड्डी जो गांव हमारा है, क्योंकि पूरे देश में तीन हिस्सा गांव है और गांव के ही बल पर यह हमारी सरकारें चलती हैं, लेकिन गांव के बारे में सोचती तक नहीं है, तो उसी मुद्दे को लेकर के हम लोग लड़ रहे हैं कि अगर दो व्यवस्थाएं अगर चल रही हैं और तीसरी व्यवस्था भी संविधान ने हमको दिया है तो वह सरकार गांव सरकार लागू किया जाए, इसी की मांग को लेकर के हम लोग लड़ाई को लड़ रहे हैं। बेचू यादव, आजमगढ़ जैसे एक ऐसे जिले में हैं जहां की भौगोलिक स्थिति तो ये पिछड़े जिले में ही एक तरह से देखा जाए तो ये जिला अभी आता है, इतनी गहन जानकारी बेचू यादव को कैसे हुई और कैसे इस आंदोलन के साथ बेचू यादव जुड़े, पहले इसकी भी बात दर्शकों तक हमारी जाननी चाहिए। अब देखिए, जैसे हमारा जो संगठन है भारत परिषद एक राष्ट्रीय संगठन है और इसके जो मुखिया हैं, जो इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, माननीय चंद्रभूषण पांडे जी हैं जो हाई कोर्ट के जज रहे हैं और उत्तर प्रदेश के राज्यपाल माननीय मोतीलाल वोरा के या कानूनी विधिक सलाहकार के पद पर रहे हैं, उत्तरांचल सरकार के अपर महाधिवक्ता रहे हैं, बहुत ही उच्च कोर्ट के विद्वान हैं जो हमारे संस्था के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा क्योंकि एक जज रहे हैं, संविधान की पूरी उनकी व्याख्या उनको मालूम है, उसी में से उन्होंने इस गांव सरकार को मुद्दे को निकाला और हम लोगों को टिप से बताया कि इस मुद्दे की लड़ाई को आप लड़ो, क्योंकि गाँव से आप लोग आते हो, इस लड़ाई को लड़ो ताकि गाँव सरकार लागू हो और अपने तरीके से गाँव एक अलग से विकसित एक मॉडल एक बनाया जाए इसको। तो उनके द्वारा जो हमारे जो चंद्रभूषण पांडे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं जज साहब, उनके द्वारा ये गांव सरकार हम लोगों तक बात पहुंची। लोगों के जहन में एक बात आएगी कि केंद्र सरकार, प्रदेश सरकार
जिसकी आप गांव सरकार की बात कर रहे हैं, तो ये गांव सरकार, लोगों को लगता होगा कि जो गांव में प्रधान जी होते हैं तो ये तो गांव सरकार ही चल रही है, क्या अंतर आपकी गांव सरकार की, आपकी जो परिकल्पना है या आपके जो सपना है जो लागू हो जाए, और ये जो ग्राम पंचायतों में प्रधान अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, कितनी भिन्नता है, क्या अंतर है दोनों में? तो देखिए, जैसे आज का जो प्रधान जो ग्राम पंचायत चल रही है ये तो गुलाम है। प्रधान को अपने पावर का, शक्ति का खुद ज्ञान नहीं है। प्रधान जो है अपना स्तर दिन प्रतिदिन गिराता चला जा रहा है। इसको ये पता नहीं है कि हम गांव के अध्यक्ष हैं, मेरे पास कितनी बड़ी शक्ति है। यह सिर्फ सेक्रेटरी, बताइए कि एक थर्ड क्लास का आदमी सेक्रेटरी और आप गांव के अध्यक्ष हो, उसके पीछे पीछे भाग रहे हो, एक फाइल लेके भाग रहे हो, करा कि चाय पर, कितने प्रधानों को सेक्रेटरी करता कि चाय लाओ, शर्म कितनी आती है बताइए। अपना स्तर गिरा के खुद चले, इनको पता ही नहीं है, ये गुलामी में जी रहा है। और मैं जो मांग कर रहा हूँ इस गांव सरकार का, इन प्रधान जी को एक पावर मिलेगा, एक मुख्यमंत्री का दर्जा मिलेगा, यह गांव के मुख्यमंत्री के रूप में ये लोग रहेंगे। इतना बड़ा पावर, इतनी बड़ी शक्ति गांव सरकार इन लोगों को देने जा रही है, लेकिन प्रधान के अंदर से जैसे एक जोश ही लग रहा है खत्म हो गया है। गांव सरकार क्या है, इनको उसके बारे में तो जानकारी लेना भी नहीं चाहते हैं। अगर मैं बताता भी हूँ, कुछ प्रधान तो इसको बहुत अच्छा कहते हैं, कुछ प्रधान कहते हैं अरे यार जो चल रहा है हम लोग का, घिस बिट के ले चलो, लूटो खाओ अपना। तो इस ढंग से एक मानसिकता बन गई है, हम लोग उस मानसिकता से उबार करके एक स्वच्छ राजनीति गांव में हम लोग पैदा करना चाहते हैं, ताकि गांव का हमारा एक मुख्यमंत्री बने। और जैसे सेम व्यवस्था जैसे चल रही है, जैसे केंद्र सरकार है लोकसभा है, राज्य सरकार है विधानसभा है, गांव सरकार है गांव सभा हमारी है, तो ठीक उसी तर्ज पर हमारी गांव सभा जैसे विधानसभा का सत्र चलता है, पक्ष और विपक्ष रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से जो सेकंड रूप में जो हारा हुआ जो रहेगा प्रधानी का उम्मीदवार, वह विपक्ष का वो नेता रहेगा, सत्र एक सदन चलेगा गांव सभा का, जिसमें वो अपना टोटल विरोध करेगा, अपनी बात रखेगा, गांव को कैसे अच्छा ले जाया जाए, सभी लोग मिल करके एक अच्छे मॉडल को बनाएंगे। ये ऐसी गांव सरकार की परिकल्पना है जिसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। सोच आपकी बहुत बड़ी है, अच्छी सोच है, लेकिन अड़चने भी बहुत आएंगी आपके सामने। बेचू यादव कैसे देखते हैं, और दूसरी बात, बेचू यादव इसके लिए कैसे अपनी दिनचर्या को शुरू करते हैं, इसके लिए डेली जो लड़ाई लड़नी पड़ती है, बेचू यादव कैसे उसकी शुरुआत करते हैं, क्या करते हैं इन सबके लिए लोगों को जागरूक करें? क्योंकि गाँव में पढ़ी लिखी आबादी कम है, कुछ महिलाएं ऐसी होंगी ग्रामीण जो इसको नहीं समझ पाएंगी, कैसे समझाते हैं, किस माध्यम से कैसे लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, एक जागरूकता लाने की कोशिश कर रहे हैं? जैसे हम लोग गांव में जब जाते हैं तो गांव के लोगों से प्रश्न करते हैं कि आप यह बताइए कि आपके गांव का लेखपाल कौन है, आपके गांव का सेक्रेटरी कौन है, आपके हलके का दरोगा सिपाही कौन, उसका नाम बताइए। तो कोई नहीं बता पाता है, कोई पढ़े लिखे लोग भी ये नहीं बता पाते मेरे हलके का दरोगा कौन है, किसकी ड्यूटी लगती है, क्या करती, कुछ पता ही नहीं है। तो हम लोग यही बताते हैं कि जब हमारी गांव सरकार बनेगी, जैसे आज के डेट में आपको कुछ पता नहीं है कि लेखपाल तहसील पर आ रहा है, कहाँ रह रहा है, सेक्रेटरी कहाँ रह रहा है, न उसका मोबाइल नंबर है, न उसका चेहरा हम जानते हैं। लेकिन जब गांव सरकार हमारी बनेगी तो इसी गांव में 8 घंटे की ड्यूटी लेखपाल हमारा करेगा। जैसे हमारा सुखमदत्त नगर ग्राम पंचायत है, तो यह सुखमदत्त नगर ग्राम पंचायत छोड़ करके नरहन ग्राम पंचायत में वो से लेखपाल नहीं जाएगा, एक ग्राम पंचायत में एक लेखपाल रहेगा जिसकी 8 घंटे ड्यूटी रहेगी, ग्राम सचिवालय में वो बैठेगा। सेक्रेटरी जो है वो ब्लॉक पर नहीं बैठेगा, वो हमारे ग्राम सचिवालय में बैठेगा। जो 29 विभाग के जो भी कर्मचारी जो ग्राम पंचायतें रखेगी, उनकी 8 घंटे की ड्यूटी आपके ग्राम सचिवालय में रहेगी। तो हमारा जो काम है, जब उसमें सेक्रेटरी मिलेगा, लेखपाल मिलेगा, उसमें जो पुलिस वाले मिलेंगे, ये सारे लोग जो मिलेंगे, तो गाँव के लोगों का काम गाँव में आसानी से हो जाएगा। और 2-3 ग्राम पंचायतों को मिला करके जो न्याय पंचायत होती है, तो एक न्याय पंचायत स्तर पर संविधान के तहत ग्राम न्यायालय की, देखिए कितनी बढ़िया व्यवस्था गांव सरकार में दिया गया है कि एक ग्राम न्यायालय की स्थापना होगी जहां एक जज बैठेंगे, छोटे छोटे जो मुकदमे हैं उसका निस्तारण गांव स्तर पर ही हो जाएगा। यानी गाँव सरकार लागू होने पर गाँव की जनता को न तहसील जाना है, न ब्लॉक जाना है, न थाना जाना है, और न तो कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाना है। सारी की सारी चीजें आपको ग्राम पंचायतों में इस गांव सरकार में आपको मिलेगी।
तो जनता को जब हम लोग बताते हैं तो कहते भाई तो ये लागू क्यों नहीं हो रहा है, तो हम लोग बताते हैं कि लागू नहीं हो रहा है, जिस पार्टी की सरकार आप लोग बना रहे हैं, जिसको वोट दे रहे हैं, वो पार्टी खुद इसको लागू नहीं करना चाहती है। क्योंकि उसमें जब पंचायती राज एक्ट जब बना तो पंचायती राज एक्ट की धारा 15 बढ़ा करके यह राज्य की सरकारों ने ग्राम पंचायतों को अपने में अधीन कर लिया और उसमें व्यवस्था डाल दिया कि जब तक राज्य की सरकार नहीं चाहेगी तब तक ग्राम पंचायतों को 29 विभाग नहीं दिया जाएगा, यानी गांव सरकार को पूर्ण रूप से लागू नहीं किया जाएगा। तभी से अधर में लटका हुआ है। हम लोग इसकी भी लड़ाई लड़ रहे हैं कि जैसे आप कश्मीर में जैसे वहां पर धारा 370 आप हटा दिए, वहां बाधक था, कोई जमीन नहीं ले पाएगा, कोई वहां का नागरिक नहीं बन पाएगा, तो पंचायती राज एक्ट की धारा 15 भी बाधक है, जो ग्राम पंचायतों को स्वतंत्र नहीं होना देना चाहती है, गुलाम बना करके रखी हुई है। इस गुलामी से ग्राम पंचायतों को उबारने के लिए आप धारा 15 हटाइए और हम लोग को अधिकार दीजिए, ग्राम पंचायती अपने तरीके से अपना विकास करेगी। बेचू यादव, जब भारत परिषद के जिलाध्यक्ष से शुरुआत आपकी हुई, आज आप प्रदेश के महासचिव हैं, जिम्मेदारी और बड़ी हो गई, तो सिर्फ आजमगढ़ के बाहर भी दायरा बड़ा हो गया होगा, कहाँ कहाँ टीम आपकी काम कर रही है? तो जाते हैं, अगर जैसे बलिया है, मऊ है, गाजीपुर है, बनारस है, जहाँ भी मतलब आवश्यकता जैसे जैसे संगठन के लोगों को पड़ती है, तो भाई चूंकि हम लोग भी बिजनेस से जुड़े हुए हैं लेकिन उसमें जो समय निकलता है समाज की सेवा के लिए, जो भी एक दिन का समय निकलता है 2 घंटा 4 घंटा हम लोग देते रहते हैं। फीडबैक किस तरह का आ रहा है, रुझान लोगों का क्या कुछ बड़ा? देखिए, अगर इसको जो भी सुनता है, जो भी जानता है कि संवैधानिक चीज है और इसको लागू होना चाहिए, इससे ये हमारा फायदा है। जैसे हम लोग जब बताते हैं उसको कि गांव सरकार, जैसे आज देश में कोई भी पार्टी सरकारें बन रही है, हम बेरोजगारी मिटाएंगे, बेरोजगारी को दूर करेंगे, लेकिन बेरोजगारी मिटती नहीं है। हम लोग बताते हैं कि जब गांव सरकार हमारी बनेगी तो बेरोजगारी इससे मिटेगी, क्योंकि एक ही विभाग में 5-5 लोगों की नियुक्ति होना है, 29 विभाग है, तो 150-200 लोगों का हर गांव में नौजवान जो युवक युवतियाँ हैं, जो उसके लायक जो योग्य रहेंगी, इन लोगों को उसी गांव में रोजगार मिलेगा। 29 विभाग में 150-200 लोगों को एक एक ग्राम पंचायत से जब रोजगार मिलना चालू हो जाएगा उनको, तो बेरोजगारी तो ऑटोमेटिक ऐसे दूर हो जाएगी। सरकारें तो झूठ बोल करके सत्ता में आती हैं, लेकिन हम तो वास्तविकता बता रहे हैं कि हमारे पास उतना विभाग है लेकिन इसको गुलाम बन करके बना करके राज्य की सरकार बनवा रखी है, जिससे हम लोग उस सुविधा से वंचित हैं और बेरोजगारी हमारी बढ़ रही है। तो ये बताते हैं जनता से, तो जनता इस पर बहुत ही, इसमें सबसे बड़ी समस्या हमको लगता है कि सबसे पहले तो जनप्रतिनिधियों को सबसे बड़ी समस्या होगी, चाहे वो पक्ष के हों या विपक्ष के हों, वो नहीं चाहेंगे गांव सरकार लागू। बिल्कुल नहीं चाहेंगे, इसलिए नहीं चाहेंगे कि वो नेता जानते हैं कि गांव से ही हमारी राजनीति है। हम जो कुछ भी राजनीति कर रहे हैं, बैठे बैठे जो दिल्ली और लखनऊ बैठ कर जो मलाई काटने का काम कर रहे हैं, यह गाँव की बदौलत, गाँव की भोली भली जनता की बदौलत, उनको जात धर्म मजहब पार्टी में बांट करके, उनको आगे पीछे करके, जो है उनको जो फंसा करके हम लोग अपना उल्लू सीधा करते हैं, ये चीज़ें हमारी बंद हो जाएंगी। क्योंकि नेता के पीछे आज जनता क्यों भागती है? वो इसलिए भागती है कि अभी मान लीजिए किसी से विवाद हो गया तो थाने पर भी बुला लेंगे दरोगा जी, मंत्री जी का फोन आ जाएगा, दरोगा टाइट हो जाएगा, हम सर मार भी खाए हैं, 10 लकड़ा वहाँ भी मार खाएंगे और उल्टे हमारे पर FIR करके गांजा भांग लगा करके हमको जेल बंद कर देंगे। तो नेताजी की शरण में चलो, मंत्री जी की शरण में चलो, पार्टी का बंधुआ मजदूर बने रहो ताकि उनकी सरकार रहेगी तो मैं सुरक्षित रहूंगा। हम लोग जो गांव के लोग जो है इन नेताओं के पीछे पीछे जो भाग रहे हैं, एक डर बस हमारे अंदर एक भय है कि अगर नेता से हम जुगाड़ नहीं लगाए रहेंगे, नेता के संपर्क में नहीं रहेंगे, मंत्री के संपर्क में नहीं, सरकार के पार्टी के पक्ष में नहीं रहेंगे, तो किसी किसी हम उल्टे हम फंसा दिए जाएंगे। एक डर बस गाँव की जनता जो भाग रही है, यही चीज जब गाँव सरकार लागू हो जाएगा तो जब हमारा काम जब गाँव में ही जब हमको थाना पर नहीं जाना है दरोगा से हमको डर नहीं है, हमको जब ब्लॉक को नहीं जाना वीडियो से डर नहीं हमको है, हमारा जब सारा सिस्टम जब ग्राम पंचायतें स्वयं कर लेंगी अपने तरीके से, हम अपना मॉडल खुद बनाएंगे, तो हम नेता के पीछे क्यों भागेंगे, हम पार्टी के पीछे क्यों भागेंगे? तो यह घबरा रही है पार्टी और सरकारी घबरा रही है कि यह चीज जिस दिन लागू हो जाएगा तो जो हम लोग पार्टी से बैठ करके जो टिकट दे रहे हैं और जितवा ले रहे हैं बिरादरी के नाम पर, धर्म के नाम पर, और ये चीजें खत्म हो जाएगी, इसीलिए कोई भी नेता पार्टी इसको नहीं उठा रहा। मैं तो बता रहा हूँ आपसे कि माननीय पूर्व मुख्यमंत्री माननीय अखिलेश यादव जी से जाकर के मैं मिला, उनको संविधान की पूरी प्रति दिखाया,
और पंचायती राज एक्ट की धारा लिख गया जो है। मैं कहा कि मंत्री जी देखिए यह व्यवस्था गांव सरकार की है और यह लागू नहीं हो पा रहा है, हम लोग इसकी मांग काफ़ी दिन से कर रहे हैं, आप विपक्ष के नेता हैं तो इस चीज़ को सदन में सिर्फ आप उठा दीजिए, लागू तो आप कर नहीं पाएंगे लेकिन सदन में उठा दीजिए कि अब व्यवस्था है तो लागू क्यों नहीं हो रहा है। तो पहले तो पढ़े तो कहे कि अरे यार ये तो ग्राम पंचायतों को अभी तो कोई अधिकार नहीं, तो इतना सब लूट रहे हैं, अब ग्राम पंचायतों को जब अधिकार मिल जाएगा तो फिर आप ये प्रधान लोग क्या करेंगे। मैंने उनसे बताया कि तभी तो हमारा विकास होगा, अभी जो लूटपाट जो चल रहा है यह आपके जो अधिकारी कर्मचारी हैं यह प्रधान लोगों से लूटवा रहे हैं, प्रधान अकेले नहीं लूट रहा है, यह अधिकारी सब मिल करके प्रधान को दबाव बना करके कमीशन खोरी कर रहे हैं कि 10% वीडियो का रहेगा, 5% जेई का रहेगा, यही का रहेगा, मई का रहेगा, प्रमुख का रहेगा, किसका किसका रहेगा, यह सब ग्राम पंचायतों के पैसे को बांट रहे हैं, यह आपके अधिकारी कर्मचारी कर रहे हैं। और जब गांव सरकार लागू हो जाएगा तो न वीडियो सबसे मतलब रहेगा, ना जेई से मतलब रहेगा, ना एडीओ सी से मतलब, ना डीएम से मतलब रहेगा, तो यह सारा पैसा हमारा बचेगा, भ्रष्टाचार नहीं होगा। तब कहे कि नहीं यार तब तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, ये तो लोहिया जी का सपना था, लोहिया जी का इतिहास पढ़ते हो? मैंने कहा हाँ पढ़ता हूँ, उनका इतिहास जानता हूँ। कहिए अगर लोहिया जी ये स्वायत्त गांव का शासन के लिए उन्होंने प्रेरित किया था, अपनी किताब में लिखा है, वो तो अच्छी चीज़ है, रख दीजिए। अपने पीओ को बुलाए और कहे कि इसको रख दो वहाँ पर, सत्र चलेगा तो हम इसको उठाएंगे। आज 2 साल के फिर हो गया, उठाए नहीं, नहीं उठाए। फिर मैंने केशव प्रसाद मौर्य जी से मिला डिप्टी सीएम से, वो भी ये कहे कि अरे यार प्रधान तो अभी लूट रहे हैं सब पैसे को, क्या है आप नौटंकी लेकर चल रहे हो? मैंने कहा कि सर देखिए मैं लेके आया हूँ, ये आपको मैं दे रहा हूँ, सप्ताह में आप हैं, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस चीज़ को आप लागू करें। देखकर मैं चला आया, यहाँ के सांसद ने रघुआ जी से दिन हिला लिया था, तो किशनदासपुर में शूटिंग उनकी चल रही थी, मैं वहाँ पर गया, उनसे जब मैं कहा इस चीज़ को दिखाया, तो चूंकि पहले तो सही बात है जानकारी तो है नहीं, लेकिन जब बताया उनको मैं कि नहीं ऐसी ऐसी व्यवस्था है, तो वो भी प्रश्न एक ही है, देखिए प्रधान को सारे प्रधान का स्तर कितना गिर चुका है कि एक मुख्यमंत्री बोल रहे हैं प्रधान चोर है, डिप्टी सीएम बोल रहे हैं कि प्रधान चोर है, मैं गया सांसद निरहुआ के यहाँ ये भी बोले कि प्रधान चोर है, कितना स्तर प्रधानों का गिरता चला जा रहा है इसमें, खुला खेल फरूकाबादी है पूरा। हाँ तो इनसे कहा तो ये भी जब समझ लिए कि नहीं बात तो सही है, हम कह इस चीज़ को आप सदन में एक बार उठा दीजिए और आपका नाम सांसद जी एक गिनीज बुक में लिखा जाएगा। दिनेश लाल जी इसमें कहा कि आपका नाम गिनीज बुक में लिखा जाएगा, पूरे भारत में सबसे पहले गांव सरकार की आवाज़ उठाने वाला कौन सांसद है अगर प्रश्न पूछा जाएगा, दिनेश लाल यादव जी रघुआ जी का आएगा। बड़ा खुश हुए लेकिन नहीं उठा, अपनी कुर्सी बचा रहे थे। धर्मेंद्र यादव जी का भी चुनाव था, आए थे मेरे यहाँ इसी जगह, तो मैं इनको दिया, मैं कहा कि समर्थन मेरा संगठन का रहेगा लेकिन यह चीज जीतने के बाद आप सदन उठाइए, कहे ठीक है शांत है। तो यह नेताओं से कोई उम्मीद तो नहीं लग रही है, जनता में जी भारत परिषद के प्रदेश महासचिव बेचू यादव की बात आपने सुनी होगी, लगातार गांव सरकार की मांग हो रही है, गांव सरकार क्या है उसके बारे में विस्तृत जानकारी बेचू यादव जी ने दी, लगातार आप संघर्ष कर रहे हैं और जिले में हम इनको तब से देख रहे हैं जब ये जिला अध्यक्ष थे इसी जिले में, तब अपने इस संगठन को इस आंदोलन को धार दे रहे थे और आज भी धार देने का ही काम कर रहे हैं, लोग धीरे धीरे इनसे जुड़ भी रहे हैं और व्यापक पैमाने पर लोग इनसे जुड़े हैं और धीरे धीरे अन्य जिलों में भी लोग जुड़ते जा रहे हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इनका संगठन है। लेकिन एक व्यक्ति अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता, उसी प्रकार अकेले बेचू यादव क्या कर लेंगे जब तक इनके साथ और लोग नहीं जुड़ेंगे। चैनल के माध्यम से बेचू यादव जी कुछ कहना चाहेंगे कि कैसे लोग अगर आपसे जुड़ना चाहें, आपके इस आंदोलन में शामिल होना चाहें तो किस प्रकार आपसे जुड़ेंगे, वो भी आप हमारे दर्शकों को जरा बता दें। देखिए मैं सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, प्रणाम करता हूँ कि आप लोग इस गाँव सरकार की मुहिम से आप लोग जुड़िए। ये जो हमारा भारत परिषद संगठन है जो गांव सरकार की लड़ाई को लेकर के दिन पर दिन आगे को बढ़ता जा रहा है, यह गांव सरकार जब लागू हो जाएगा तो हम लोगों को गांव में सारी सुविधा मिल जाएगी, हम लोग किसी नेता के पीछे, किसी पार्टी के पीछे, किसी सरकार के पीछे भागने का जरूरत नहीं पड़ेगी, यह नेता पार्टी और सरकारें खुद हम लोगों के दरवाजे पर आएगी, गाँव में आएगी। जैसे आज हम लोग नेताओं के पीछे भाग रहे हैं, नेता गाँव में नहीं आ रहा है, हम नेता के घर जा रहे हैं, नेता को कहीं बुला करके कर रहे हैं, नेता हमको नहीं जान रहा है, लेकिन जिस दिन गांव सरकार लागू हो जाएगी उस दिन शक्ति आपको मालूम हो जाएगी कि मेरे पास कितना बड़ा पावर, कितनी बड़ी शक्ति का दुरुपयोग ये नेता सब कर रहे थे,
कि आज मेरे घर चल करके आ रहे हैं, यह दिन आपको गांव सरकार में देखने को मिलेगा। साथियों, आपकी सारी व्यवस्था इस गांव सरकार में गांव में मिलेगी, आपको कोर्ट कचहरी थाना पुलिस हर जगह जो है कि लेखपाल पर कहीं चक्कर लगाना जरूरत नहीं है, आपको सारी सुविधा मिलेगी। और सबसे ज़्यादा मैं जो है कि ग्राम प्रधान जो ग्राम के अध्यक्ष हैं, मैं उनसे विनती करता हूँ कि भाइयों अपने अंदर की जमीर को आप जगाओ, मत सोओ, यह सोने का समय नहीं है, यह लड़ने का समय है, यह लड़ करके एक इतिहास बनाओ कि गांव की सरकार बनाओ और गांव का मुख्यमंत्री बना करके एक पावर दिखाओ पूरे देश में कि गांव का मॉडल देखो, 70 साल में तुमने क्या किया और 7 महीने में मैंने क्या कर दिया, यह एक पावर आप दिखाओ। पिछलग्गू बनना छोड़ दो, आप सेक्रेटरी का, वीडियो का, प्रमुख का, पिछलग्गू बनना छोड़ दो, ऐसी एक ताकत आपको गांव सरकार में मिलने जा रही है। आप इस आंदोलन में भाग लो, साथ दीजिए आप लोग, ताकि गांव सरकार, जब आपका प्रेशर जब बढ़ेगा, देखिए सरकारें जो है कि तब तक गांव सरकार को लागू नहीं करेगी जब तक जन आंदोलन लागू नहीं होगा, जन आंदोलन नहीं चलेगा। और जन आंदोलन चलाने के लिए आप जैसे जो महान महान लोग हैं, आप लोगों की जरूरत इसमें है। आप लोग जब आगे आएंगे तो एक जन आंदोलन चालू होगा और गांव सरकार लागू होगा। और बहुत धन्यवाद। तो ये बेजू यादव की बातें आपने सुनी, क्या है आपकी गांव सरकार के बारे में राय, कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर जरूर दीजिएगा। तो बने रहिए RB9 के साथ, मैं हूँ विजयंत।